चेक्ड एसपी चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टर्स एंड की मैनेजर पर्सनल ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर्स आप पढ़ चुके हो, की मैनेजर पर्सनल में आपने टोटल 4 पर्सनल ऑफ अ कंपनी के पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी, इनके बारे में पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या होता है। ओके, सो द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, दैट इज ICSI, एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या है? तो एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो है वो ICSI मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो है फॉर्मुलेट करता है, और अप्रूव कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करता है अंडर द कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। द कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स कॉम्प्लायंस विद द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 and 2 मैंडेटरी। द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड टू स्टैंडर्डाइज डिफरेंट प्रैक्टिसेस। ओके, अब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस को सेंट्रलाइज करने का काम करता है, स्टैंडर्डाइज करने का काम करता है। जैसे कि फर्स्ट देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, क्या ज़रूरत है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का, ये पढ़ लेते हैं हम पहले। तो कंपनीज फॉलो डाइवर्स प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन डिफरिंग बिजनेस कल्चर्स एंड वेराइड यूसेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स एम एट द अचीव इंटीग्रेटिंग, हार्मोनाइजिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग फाइन कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अक्रॉस ऑल कंपनीज। इट लीड्स टू प्रोवाइड बेटर मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस ऑफ लॉ, स्ट्रेथनिंग द प्रोसेस ऑफ द बोर्ड एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स। द ICSI कॉन्स्टिट्यूटेड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड इन द ईयर 2000, विच इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस लाइक ASSO, CHAM दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, एंड द लास्ट FICCI दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, देयर इज एन एलोबरेट प्रोसीजर्स फॉलोड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द स्टैंडर्ड सेक्रेटेरियल ऑन अ सब्जेक्ट। इट इज नोट वर्थी दैट सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एंड इट्स स्टैट्यूटरी रिकग्निशन एंड इम्प्लीमेंटेशन is unique to the India. It is a quantum leap towards standardization of diverse secretarial practices existing in the corporate sectors. Secretarial standard is to be reviewed by SSB, that is Secretarial Standard Board, once in a year or whenever there is a substantial change in the law, whichever is अर्लीयर। मतलब कि कोई भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो है वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड के अकॉर्डिंग ही ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है, वही लॉ फॉलो किया जाता है, या फिर जो भी नया लॉ आया रहेगा वो। द स्कोप ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या क्या है वो देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्कोप क्या है आपका यहाँ पे, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे टोटल 10 टाइप्स के आपको इश्यूज दिए गए हैं जो कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। तो फर्स्ट आपका S1 दिया है, जिसमें आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड स्टैंडर्ड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इश्यूज है। सेकंड जो है वो है जनरल मीटिंग से रिलेटेड, दैट इज S2। थर्ड इज रिलेटेड टू डिविडेंड, एंड फोर्थ वन इज रिलेटेड टू द रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। फिफ्थ वन इज स्टैंडर्ड रिलेटेड टू मिनट्स, एंड सिक्स्थ वन इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट वन इज पासिंग रिजोल्यूशंस बाय करिकुलम। SAT इज रिलेटेड टू द कॉमन सेल ऑफ अ कंपनी, एंड द सेकेंड लास्ट इज रिलेटेड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, एंड द लास्ट वन इज रिलेटेड टू द बोर्ड्स रिपोर्ट। सो दीज आर द 10 इश्यूज दैट इज रिलेटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। ओके, थैंक यू।